आंदोलन को दबाने के लिए रामचरितमानस का मुद्दा बड़े जोरों से उठाया जा रहा है। ये तो सारे उठाओगे, कहीं कोई बड़े आदमी भाई किसी जाति के खिलाफ भी आन देंगे, मतलब किसी जाति के खिलाफ बोलना, ये करना के जातियाँ उन्होंने बनाई, ये बनाई, रामचरितमानस होगा, बहुत स्पीड पकड़ेगा 2023 में धार्मिक, उस पर ज़्यादा बातचीत होगी। इनसे बचना है, इन किसानों को, आम जनता को, दोष के नौजवानों को, धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करा जाएगा, क्योंकि चुनाव है तो इन सब चीज़ों से बचना है। जातियों पे एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे के किसी भी धार्मिक ग्रंथों पे उल्टे सुधे बयान दिलवाएंगे। मोहन भागवत जी का भी अभी बयान आया है। हाँ, तो वही तो बता रहे थे, मतलब इतने बुजुर्ग आए थे भी, पूरा देश उनकी बात को सुनता है। हमें तो ये था भाई, हम भी अपनी कृषि की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार उन्हीं के कहने पर काम करे। अब यही विवाद तो में है भाई, जो जो जज है फैसला देने वाला, वही वकील बन गया तो क्या होगा देश का भाई। तो क्या मोहन भागवत जी भाजपा के जज है? और किसके जज है? मतलब जज अगर वकील बन जाएगा तो भाई सजा निश्चित है होनी इस देश में। इसका मतलब प्रायरिटी पे दंगे करवाने की बातचीत चल रही, एक जाति को दूसरी जाति से, एक एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करा जा रहा है कि जातियां लड़े भाई। वे बतावे ना कि भाई हमारे साथ में ये जाति नहीं है, तो वे बतावे, मतलब सबको लड़ा रहे, सब साथ में ले रहे, सबके संगठन बना रखे उन्होंने। मतलब ये है कि देश शांत ना रहे, और उसका असर सीधा हमको देखने को मिल रहा, जो सरकारों की पॉलिसी है। हम गांव में किसी का झगड़ा हो जाए तो फैसले करवाते हैं, तो सरकार और अधिकारी फैसले नहीं मान रहे, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से हिंट है कि आपस में ना किसी के फैसले हो, जनता एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहे। तो जब देश का राजा ऐसा होगा जो आपस में